चाहे ईडी दफ्तर हो या कांग्रेस कार्यालय, सभी जगह आपको सबसे ज़्यादा अगर मामले शिकायत देखने को मिलेंगे तो वो जमीन से संबंधित होते हैं। हर दिन जो है किसी न किसी दिन किसी मंत्री द्वारा जो है यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई की जाती है, जिसमें कि जनता अपनी फरियाद लेकर, पीड़ित अपनी फरियाद लेकर जो है पहुँचते हैं अपने मंत्री से शिकायत करने को कि हमारे मामले को देखा जाए साहब, उसे सुना जाए। मंत्री जी 12:50 में कांग्रेस कार्यालय पहुँचे और मात्र 1:20 यानी 30 मिनट के अंदर जो है 30 मामले को वह निपटा दिए हैं। कुछ मामले जो है स्वास्थ्य संबंधित थे, कुछ जो है अधिकारी से संबंधित थे उन्हें दिया गया, और कुछ जितने भी हैं जमीन से संबंधित थे। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने, चूंकि आज उनकी जो है सुनवाई का दिन था, उन्होंने सुनवाई की, और क्या कुछ कहा है पीड़िता जो यहाँ पर पहुँची है? चाहे वह व्हील चेयर भी अगर लेनी हो तो वह कांग्रेस के कार्यालय में जो है पीड़िता पहुँच रही है। व्हील चेयर के लिए क्या कुछ मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, पीड़िता ने किस तरीके से गुहार लगाई है आकर यहाँ पर जनसुनवाई के दफ्तर में कांग्रेस कार्यालय के, और क्या कुछ कहा है सभी पीड़िता ने, चाहे वो जमीन से संबंधित हो। एक मामला पतरातू से आया जहाँ की मृत घोषित कर उनके ही परिवार वाले ने जमीन को हड़प लिया। आदमी जीवित है, जमीन के जो दावेदार हैं वह जीवित हैं, और जमीन उनकी हड़पी चली गई। क्या कुछ कहा है पीड़ित परिवार वालों ने और क्या कुछ कहा है मंत्री आलमगीर आलम ने जनसुनवाई के दौरान, यह कुछ देखिए। कि वो जो है मनरेगा कर्मी जो आज हमारा प्रसाद भेंट करने के लिए पहुंचे हुए थे, उसका रिप्रेजेंटेटिव थे। मनरेगा कर्मी का पहले ही हम वेतन हमारी सरकार हमारी रीजन में हम लोग बढ़ाए थे, दोबारा उनका मांगे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के चलते जो है हमारा परिवार ठीक से भरण पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय में वृद्धि हो। दूसरी बात कहा कि दूसरे राज्य में इस झारखंड से बेहतर सुविधा उसको मिल रहा है, आपका राजस्थान छत्तीसगढ़ के बारे में उन लोग उठाए, हमने कहा कि उसका भी हम जो है मनरेगा के तहत क्या क्या सुविधा वहाँ मिल रहा है, उस सुविधा को देखते हुए हम भी यूज करने के काम करेंगे, और उन लोग चलेंगे। और मैं उन लोग का आश्वस्त किए हैं कि आपके हर बिंदुओं को देखकर जो भी होगा हम करेंगे, निश्चित तौर पर जिस पर संज्ञान लिया जाए, और जिन लोगों का ऐसा लगता है कि हम ठगा हुआ महसूस करते हैं तो हमारे पास तो न्यायालय में जगह है, तो न्यायालय भी उन लोग को जाने के लिए उस चीज़ के लिए हम लोग कहा है, और जो हमारी सरकार के लेवल से जो ठीक हो जा सकता है उसको हम लोग संज्ञान में लिए। मंत्री जी का आंकड़ा जानना चाहते हैं, कितना जनसुनवाई में कितने निपटारे हुए हैं अब तक? निपटारा तो एक दिन में नहीं होता है, जैसे अभी एक कार्ड के बारे में बताया, उनके पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है, लेकिन उसका चाहत और ख्वाहिश है कि हमको जो है जो भारत सरकार का जो कार्ड है वो कार्ड हमको लाल कार्ड मिलना चाहिए। वैसे स्थिति में लाल कार्ड देने की स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ लोग सरेंडर भी कर देते हैं, तो वैसे स्थिति में अगर वैकेंट खाली रहता है तो उसमें जोड़ा जाता है, तो उसका होने के उस प्रक्रिया में होने में देर होगी, लेकिन जो हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए जो लोग आए थे उसका काम हम लोग तुरंत करा दिए, और जमीन संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी हमारी लेवल की है, और बहुत सारी चीज़ जो है कोर्ट का जजमेंट नहीं हो रहा, उस पर हम क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट के बारे में थोड़े न्यायालय आपको दोबारा जाना चाहिए। और जो मेरे यहाँ पर शॉर्ट आउट कुछ चीज़ें जो है शॉर्ट आउट देन एंड देयर नहीं होता है, कुछ चीज़ें का समय लगता है, लेकिन आज ज़्यादा नहीं 25 आवेदन करीब करीब 25-26 आवेदन मेरे पास मिले। मेरी बात सही है, व्हील चेयर के बारे में जो बता रहे हैं वो तो ब्लॉक स्तर से ही उसका निष्पादन हो जाना चाहिए, और जो कार्ड के लिए वो आई है तो आप पर हम सबको जानते हैं कि भारत सरकार का जो कार्ड है उसके बाद भी हम लोग जो उसके भारत सरकार कार्ड से जो लोग अनाज मिल रहा था बहुत लोग छूट गया था, उसमें उसको जोड़ा गया ग्रीन कार्ड में। ग्रीन कार्ड इनका ख्वाहिश है कि नहीं हम ग्रीन कार्ड से नहीं लेंगे, येलो कार्ड से ही लेंगे, तो अगर कहीं कहीं वैकेंसी खाली हो जाता है या कुछ लोग जमा कर देते हैं तो ऐसे स्थिति में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए हम निश्चित तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो है उसको बोलेंगे, अगर है तो उसको करा दिया जाएगा। आज का जो जनसुनवाई यहाँ पर आई हुई उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो लगता है कि ये जनसुनवाई काफ़ी हमारे लोगों के लिए ज़रूरत है। एक पेशेंट यहाँ पर आई थी, उसके बच्चा का जो है इसोनी हो गया था एक्सीडेंट से, वो दिल्ली ले गया, दिल्ली के बाद यहाँ लाया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन माली हालत उसका सही नहीं है और उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है,
हमने अभी बात किया, माननीय मंत्री से बात किया स्वास्थ्य विभाग का, तो उसका तुरंत उसका हो गया। तो ये सारी काम जो है तत्पर हो जाता है। अगर वो लाइन लगाता तो हो सकता है दो चार दिन समय लगता, और सभी आजकल सिस्टम के आधार पर ही होता है, पहले आओ पहले जाओ। तो यहाँ पर ऐसा इमरजेंसी केसेस जो होता है कि देन एंड देयर उसको रिलीव किया जा सकता है, वैसे लोगों का काम हम आज भी एक दो आया था वो भी हम कराए। और रही बात क्या है, कुछ चीज जो आ रही है उसको भी हम ज़्यादा अवॉइड करना चाहते हैं और कुछ का संज्ञान भी लेना चाहते हैं। आज करीब करीब जो हमारे पास 20-25 जो आवेदन आया उसमें 10 या 12 आवेदन हमको लगता है कि जमीन से संबंधित है। जो टाइटल की बात है कम बेसी ज़्यादा है, तो जमीन का संबंधित जो विवाद है, आज म्यूटेशन की बात नहीं आई, जो मेरा म्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी तक म्यूटेशन नहीं कर रहा है सीओ, वो नहीं आया। लेकिन कब्जा बेदखल इस समस्या आई है। सर एक व्यक्ति पहुंचे थे कि हम जिंदा हैं, हम वो सामने हैं, जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया सरकार, तो, और तो, वहां पर अधिकारी भी जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसको कह रहे हैं कि आप मृत हो। रामगढ़ के पत्रातु का मामला है, हाँ वो पत्रातु का मामला है, तो हम बोले कि ठीक है हम डीसी से उसका संज्ञान लेकर उसको करेंगे। मामला है मेरा जमीन के मैटर में, जमीन विशेष में है मामला, और जमीन मतलब है वो चिरिंगा प्रखंड मतलब पड़ता है पत्रातु को, मौजा उचरिंगा है पतरातु के मतलब। क्या कुछ मामला है उसमें जमीन? उसमें क्या किया है, मेरा जो गोतिया लोग है, मेरा पिताजी को मतलब मृत्यु बंसावली बना करके, गलत ढंग से बंसावली बना करके, मतलब जो मेरा हिस्सा जो बनता है उसको लोग बेच रहा है। उसके मैटर में हम आवेदन भी दिए सीओ के पास में कि गलत ढंग से अति हो रहा है, फिर भी मतलब वो मतलब दाखिल खारिज करते जा रहा, अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2-3 आवेदन दे चुके हैं इनको, दिए थे डीसी अति सीओ के, और ये सब जो काम हो रहा है हमको लगता है कि सब मतलब सीओ कहीं मिली भगत हो रहा है, क्योंकि आवेदन देने के बाद रुकना चाहिए था ना। अभी और ये लोग जमीन खरीदा है कुछ मतलब 17-18 डिस में खरीदा है और उसमें कब्जा करके रखा हुआ 28-29 में। चलो अभी आप कांग्रेस भवन आए हुए हैं, यहाँ पे जन सुनवाई चल रही है, आलमगीर आलम से क्या बात रखा? यही बात रखे हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो बोला ठीक है हम मतलब आगे बात करते हैं करके बताया, हम देखिए क्या करते हैं। पहले भी आए हैं? पहली बार? नहीं नहीं पहली बार आए हैं, कहे कि हर जगह हम आवेदन देख के अति हो गया, इसको लास्ट में यहाँ पर आए हैं। यहाँ के लिए कौन बोला है? यहाँ के लिए खुद से आए हैं? आप नहीं से आए हैं, हमको पता चला कि मतलब यहाँ जन सुनवाई होता है इसलिए आप नहीं से आए हैं। यही मेरा पिताजी हैं, किसी को मेरे मन पे करके अति किए हैं। क्या नाम है पिताजी का? लोकनाथ सिंह। आपके नाम से? आपका नाम क्या है? प्रेमनाथ सिंह। जमीन कौन हड़प है? कौन हड़प? इससे बड़ा चाचा जो है, हाँ गोतिया जो बड़ा चाचा है वो। उनका क्या नाम है? गोपाल सिंह। अभी तो नहीं है, आदिवासी जनरल? नहीं नहीं जनरल है। हमारा मामला है रिंग रोड वाला जो जमीन था उसका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, करीब 10 साल हो गया इसके। नेशनल हाईवे प्लस आपका रिंग रोड में, रिंग रोड में करकट्टा राजा उलातू में एक्वायर किया हुआ है आपका 10-12 में, और उसका पेमेंट कुछ ड्यूज था वो आज तक पेमेंट नहीं किया, इसी के संबंध में हम लोग मिलने आए थे। पहले भी आए थे? पहले नहीं आए, पहली बार आए। यहाँ किसने बोला ना? हम लोग भी पार्टी से संबंध रखते हैं ना, इसलिए हम लोग सोचे चलिए कम से कम हेल्प लेना। वो तो फॉरवर्ड डीसी को लिख दिए हैं, अब डीसी को देना है एप्लीकेशन, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। व्हील चेयर लेने के लिए और राशन कार्ड लेने के लिए आए हैं, इरवा से हम आए हैं, गुलशन परवीन। नहीं पहली बार हम आए हैं। कौन बोला यहाँ आने के लिए? जो बना रहा है ना वही भेजी है, उसका नाम है औरंगजेब। क्या बोला वो? बोले कि जाइए वहाँ हो जाएगा मंत्री जी के पास। वो बोली इसकी हो जाएगा मंत्री जी, यही 2-4 दिन का लीज है डेट अभी तक आपको ऐसे ही। हाँ नहीं कहीं नहीं। क्या कब तक बोले? बोली इसके 2-4 दिन में मिल जाएगा। हाँ कैसे आए अभी आप? हम आए टेम्पो से भाई के साथ। हाँ रहते, क्या नाम? हम रहते हैं इरबा में। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।